उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 21,000 जोड़ों का विवाह कराया जा रहा है। इसी योजना के अंतर्गत गुरुवार को मथुरा के छाता में 101 जोड़ों का विवाह कराया गया, जिसमें प्रत्येक जोड़े को 51,000 रुपए दिए गए और 35,000 रुपए लड़की के खाते में, 10,000 रुपए लड़की की पाजेब के लिए और 6,000 रुपए दावत के लिए दिए गए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 15 जोड़े मुस्लिम समाज से और शेष हिंदू समाज से हैं। इन सभी जोड़ों का विवाह समाज कल्याण द्वारा कराया गया। विवाह में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। वहीं कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने सभी वर वधु को आशीर्वाद दिया और सभी कन्याओं को कन्यादान के रूप में 500-500 रुपए भेंट किए। ये सरकार की विभिन्न योजनाएं लड़की के विवाह के सहायता के लिए थी। अल्पसंख्यक बहनों को 20,000 रुपए दिए जाते थे और अन्य समाज के लोगों को की बहनों को 20,000 दिए जाते थे। इस तरह की कई योजनाएं चल रही थी। उन सब योजनाओं को एक साथ मिला के ये समाज कल्याण में ये योजना लागू की गई और आदरणीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना इसका नाम दिया गया। इसमें 51,000 रुपये की राशि, इसमें 35,000 रुपये वधु के खाते में, 10,000 रुपये का सामान और 6,000 रुपये दावत के, बराती और घराती के, इस तरह से 51,000 रुपये की सहायता दी जाती है।